एवरीवन, मैं हूँ नीलम यादव। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बनाने जा रही हूँ गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने अच्छे से धो के गोभी को कट कर लिया था और 4 ठो बॉईल किया हुआ आलू लिया है। इसे मैं छोटा छोटा 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ लेना है फ्रेंड्स। और बीच से चीरा लगा दीजिएगा गोभी में, ताकि ग्रेवी अच्छे से इसमें जा पाए। तो देखिए, हमने तैयार कर लिया आलू को भी। अब हमने चॉप करके रख लिया था टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, तेज़पत्ता और जीरा। तो अब हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। हमें मसाले को भी पीस लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक ले हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे भून लेना है हल्का सा। तो देखिए, हमारा अच्छे से भून चुका है गोभी। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा गोभी अच्छे से भुन चुका है। अब हम आलू को भी इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू का भी टेस्ट और अच्छा आए। फ्राई करने से आलू बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमें 2 मिनट इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसे भी हल्का ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। आलू थोड़ा चिपकता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करने से अच्छे से भून जाएगा। देखिए, तो हमारा आलू अच्छे से भून चुका है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें तेल बच गया है, और हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के हम मसाला भूनेंगे फ्रेंड्स। आलू और गोभी कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे और 2 सूखी मिर्च, 2 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन कुचा हुआ। इससे बड़ी अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, सब्ज़ी में ज़रूर डालिएगा आप लोग। और इसे हम 2 बड़े प्याज को चॉप करके रख लेते हैं, इसमें हम प्याज भी डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए, हमारा कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। एक बड़ा टमाटर हमने काट के रख लिया था। आपको अगर मन हो आप लोग का तो आप इसमें एक पीसा हुआ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें हम अच्छे से नमक डाल देंगे। नमक डालने से प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाएगा और ग्रेवी अच्छा गाढ़ी बनेगी। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ढक के पका लेना है, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर और प्याज कितना अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम मसाले को ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। हमने जो मसाला पीस के रखा था, जीरा, धनिया, काली मिर्च और लहसुन, उसे हम इसमें ऐड कर ले रहे हैं। 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अच्छे से हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भून लेना है फ्रेंड्स, चलाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आने लगा। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से चला के इसमें हम आलू और गोभी डाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। और अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और 2 से 4 मिनट हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप लोग सब्ज़ी बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत अच्छा ऐसे सब्ज़ी बन के तैयार होता है। तो देखिए, हमने अच्छे से इसे मिला लिया है मसाले को। अब इसे हम ढक के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद देखिए, हमारा अच्छे से सब्जी पक गया है। अब हम इसे बढ़िया से चला लेंगे फ्रेंड्स। चलाने के बाद से हमें इसमें अब पानी ऐड करना है, क्योंकि सब्ज़ी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी हमारी गाढ़ी ना हो जाए और सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ जाए। क्योंकि उबला हुआ आलू था और फ्राई गोभी था, ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्रेंड्स।
तो हम इसे ढक के 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद से देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से हमारे सब्ज़ी में उबाल आ गया है। अब इसे हम अच्छे से गाढ़े हो जाने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और सब्ज़ी भी बढ़िया तरीके से पक गया है। अगर मेरी रेसिपी आज की पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए गोभी भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर लेंगे और ठंडे हो जाने के बाद हम इसे आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा सब्जी ठंडा हो चुका है, अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा लाजवाब सब्जी बन के रेडी हो गया है। रेसिपी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।